तो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, और जो बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि रिसेंटली जो बिटकॉइन क्रैश हमको देखने को मिला है तो उसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे क्रैश क्यों हुआ था, साथ में हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में और डॉज कॉइन के ऊपर। क्योंकि याद रखो शिबा इनू के सारे हमारे टारगेट्स अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंट और अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची लेवल सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। रिकमेंडेशन के बाद अगर की बात करो तो ऑलमोस्ट हम 300% का प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर चुके हैं। तो जिस लोगों ने भी छोटी मोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट किया था उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि अगर अभी तक टेलीग्राम में आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो मेरे हिसाब से आप जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम पोस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन कर लो। अभी डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक पर। बिफोर मूविंग ऑन शिबा इनू, सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की, बिटकॉइन के टेक्निकल बात करेंगे, उसके बाद ऑनचेन डेटा एनालिसिस की ओर से बात करेंगे। देखिए बिटकॉइन के अगर टेक्निकल चार्ट की यहाँ पर बात करूँ तो बिटकॉइन एक तरीके से डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं बात करूँ और वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ तो लास्ट वीक का जो वॉल्यूम था वो थोड़ा सा नेगेटिव हमको देखने को मिला था रेदर देन लास्ट थ्री वीक्स। तो ऑब्वियसली बात है कंटिन्यू थ्री बुलिश कैंडल्स हमको यहाँ पर देखने को मिले थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई अभी भी मार्केट कंटिन्यू बुलिश होगा। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन थ्री रोज के अंदर मार्केट एटलीस्ट मेरे हिसाब से 50% का करेक्शन ले, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू तीन वीक से बुलिश था। तो एक्सपेक्टेड एरिया जो करेक्शन का बनता है वो तकरीबन बन रहा है अभी भी $50,400 के आसपास। मैंने अगर आपको याद है आई थिंक यहाँ पर विल बिटकॉइन एक्सप्लोड, यहाँ पर मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर बिटकॉइन वेव थ्योरी के हिसाब से फॉलो अगर करता है तो मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक आएगा जो कि तकरीबन बन रहा है $52,000 के करीब का। लेकिन अगर आप वीक के हिसाब से देखेंगे तो उस रेंज के अंदर मार्केट लग रहा है कि मार्केट आ सकता है तकरीबन $50,000 के रेंज में, जो कि नियरस्ट हमारा जो असेंडिंग चैनल पैटर्न है उसके करीब भी बन रहा है, तो एक्सपेक्टेड एरिया है। अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश हुआ है तो उसको देखकर यहाँ पर बुलिश मत हो जाए, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बुलिश कैंडल क्रिएट कर रहा है। सेकेंड चीज, अगर ये देखिए जितना मार्केट अच्छे तरीके से करेक्शन करेंगे ना उतनी ही अच्छे तरीके से मार्केट अगला जो बाउंस लेगा अच्छे फास्ट तरीके से ले सकता है। तो फिल वक्त के अंदर तो बिटकॉइन के अंदर सेम लास्ट वाला सिनेरियो ही अवेलेबल। मैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस को ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस को देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा था कि भाई मार्केट इन लेवल पर आएगा, मार्केट इन लेवल पर आ चुका है और कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बाउंस बैक कर सके। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये लेवल होल्ड करता है तो रिवर्सल होगा, बट अगर ये लेवल होल्ड नहीं होती है तो फिर मार्केट डाउन जा सकता है 41% के करीब का। अब बात करते हैं बेसिकली कि भाई जब बिटकॉइन सेल ऑफ हमको देखने को मिला है, सेल ऑफ तो नहीं बोलूंगा, एक बिटकॉइन जो प्राइस डंप हुआ है रिसेंटली, जो प्राइस मार्केट में डंप हुआ है जो कि मैं समझता हूँ तकरीबन $66,000 से लेकर $58,000 के करीब का, आप कहने को कह सकते हो तकरीबन $8,000 का मार्केट में प्राइस डाउनफॉल देखने को मिला है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा डेटा शेयर हुआ है ग्लास नोट की ओर से, जो कि एक्सप्लेन उन्होंने यहाँ पर किए है कि फाइनली वी हैव असेस द एक्चुअल कॉइन वॉल्यूम स्पेंट बाय LTH, LTH बेसिकली लॉन्ग टर्म होल्डर की यहाँ पर बात हो रही है, यानी बिटकॉइन के अंदर जो लॉन्ग टर्म होल्डर है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूमुलेशन पीरियड सिंस मार्च। मार्च के मंथ में जो एक्यूमुलेशन यहाँ पर हुआ था, चार्ट आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर आप देखो मार्च के मंथ में जो एक्यूमुलेशन हमको यहाँ पर देखने को मिला था जहां से उन्होंने टोटल एक्यूमुलेशन किया 2.42 मिलियंस ऑफ बिटकॉइन, डॉलर की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, मिलियंस ऑफ 2.42 मिलियंस ऑफ बिटकॉइन यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया था उस टाइम पर जिस टाइम मार्केट में सब लोग सेल कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन चला था, यहाँ पर सभी को लेवल याद है तो $64,000 के बाद मार्केट क्रैश किया था $38,000 पे। आप अगर देखेंगे कि जब मार्केट में सेल हो रहा था उस टाइम वेल्स जो थे बिग लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो थे बिटकॉइन को बाय कर रहे थे, बिटकॉइन में अपना पोजिशन बना रहे थे। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल अक्टूबर में 13.34 मिलियन बिटकॉइंस थे जहां पर उन्होंने एक सेल ऑफ क्रिएट किया, और सेल ऑफ कुछ बहुत बड़ा नहीं था, वो तकरीबन 39.5 के बिटकॉइन हुआ है जो कि बहुत मिनिमम है रेदर जो हम होल्ड कर रहे हैं, मतलब जितने बिटकॉइंस वो होल्ड कर रहे हैं 2.42 जो एक्यूमुलेशन उन्होंने किया है उसमें से सिर्फ 39.5 के बिटकॉइन को यहाँ पर सेल ऑफ किया, जिसका रेशियो के हिसाब से 1.6% के करीब जो हुआ है।
मेन यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर थे उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक किया है, लेकिन बट नॉट एग्जिस्टिंग एन मास, मतलब यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में कुछ सेल ऑफ नहीं हो रहा है। जैसे कि मान के चले कि भाई डायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि भाई 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 बिटकॉइन सेल कंटिन्यू सेल पे सेल, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर छोटा मोटा बिटकॉइन को उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है और स्टिल मार्केट में ये रेंज हमको मिला, तो एक तरीके से लग रहा है कि यस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसके वजह से छोटा सा मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। जैसे कि लास्ट टाइम भी आप देखो मार्केट जब बेसिकली हायर जा रहा था तो उस टाइम यहाँ पर मार्केट में सेलिंग क्रिएट हो रहा था वेल्स की ओर से, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। उसी की तरह यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से मार्केट रैली हाई किया, यहाँ पर भी चांस है कि मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेगा और फिर से मार्केट सेकंड रैली अप कर सकता है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली शिबा इनू के बारे में, क्योंकि शिब कॉइन के ऊपर रिकमेंडेशन किया था, इसके बाद से मार्केट बहुत हेल्दी प्रॉफिट में चल रहा है और बहुत से लोग अभी ये सोच रहे कि सर अभी प्रॉफिट बुक करें या ना करें। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस के बेस के हिसाब से आप 50% प्रॉफिट को बुक कर लो एटलीस्ट 50-60% का, क्योंकि मेरा जो टारगेट था 1.618 वो टारगेट सक्सेसफुल तरीके से हिट हो चुका, जो कि 8,589 वैल्यूएशन यहाँ पर दिया हुआ था, तो ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अगला जो टारगेट यहाँ पर होने वाला है वो तकरीबन 16,219 USDT, तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेसिमल पॉइंट में, बट उसको आप इस हिसाब से समझो यानी परसेंटेज के हिसाब से और 80% के करीब का मार्केट जंप ले सकता है अगले टारगेट के लिए, नॉट फॉर कंफर्म, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वोलेटिलिटी शो कर रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है। सेकंड चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, करंट डेली कैंडल अगर पॉजिटिव क्लोज करती है तो अगला टारगेट का आप एजम्पशन लो, बाकी 50% प्रॉफिट बुक करना मेरे हिसाब से यहाँ पर फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर कॉइन की यहाँ पर बात करने वाला हूँ वो है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो काफी हेल्दी वॉल्यूम गेन दिख रहा है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम इनबिल्ट यहाँ पर हमको देखने को मिला, और विद इन डे के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें विद इन एक दिन के अंदर मार्केट ने यहाँ पर मेरे हिसाब से तकरीबन 40% का पंप किया, तो काफी बड़ा स्पाइक मिला है। लेकिन ऐसे स्पाइक्स को देखकर आप उसमें एंट्री ना लो, क्योंकि मे बी यहाँ से दोबारा हमको एक रैली अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द साइकिल जब भी मार्केट अपनी साइकिल को एंड करता है ना, तो उस टाइम मार्केट बेसिकली जो शिट कॉइन होते स्मॉल सतोशी लो सतोशी कॉइन होते वो कॉइन पंप होने को देखने को मिलते हैं। तो एस्टिमेशन है कि जब मार्केट अपना टॉप क्रिएट कर देगा तो उस टाइम हमको बेसिकली जो लो सतोशी कॉइन है उसके अंदर भी हमको अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर USDT वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में कहूंगा इसको ब्रेकआउट कर रहा है। डेली क्लोजिंग कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है, क्लोजिंग होना बाकी है। अगर ये कैंडल इसी के हिसाब से क्लोजिंग होता है, एस्टिमेशन ले लो कि भाई 30-40 सेंट के करीब क्लोजिंग होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेड सेटअप बन जाता है। कौन सा ट्रेड सेटअप बनता है, अभी क्लोजिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग पर ध्यान देना। अगर मार्केट मान के चलो क्लोज करता है 30 सेंट के अबव या उसके आसपास, क्योंकि शैडो अपसाइड में बड़ा छूट रहा है, ये बड़ा शैडो नहीं छूटना चाहिए, तो कम से कम 33.59 सेंट के करीब मार्केट क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ये होता है तो याद रखो मार्केट यहां से जा सकता है 129% अबव, लेकिन यहां पर रिस्क कितना है 30% का। अगर आप 30% का रिस्क ले सकते हो तो यस डेफिनेटली ये ट्रेड सेटअप आपके लिए है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल की हाइट की बात कर दो 132% का है, और तकरीबन पिछले ऑल टाइम है का जो भी लेवल है वो तकरीबन 130% के करीब का है, तो बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट बन रहा है। लेकिन यस क्लोजिंग मैटर करेंगी, या तो आज का कैंडल क्लोजिंग का वेट करो राइट है, या नहीं तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो, क्योंकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर मार्केट कर रहा है पुल बैक, तो अगर आप रिस्क ले सकते हो ऑन दिस पुल बैक तो आप 28 सेंट पर इसको बाय कर सकते हो। याद रखो ये रिस्की ट्रेड है कि मार्केट अभी कर रहा है पुल बैक, और मार्केट जब पुल बैक करता है उसके बाद रिवर्सल कैंडल बनती है, तो ये दो सिग्नल को याद रखो, एटलीस्ट 4 घंटे में और 1 घंटे में अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनती है इस पुल बैक लेवल पे तो आप इस लेवल पर बाय कर सकते हो डॉज कॉइन को, और मेरे हिसाब से प्रॉफिट स्टिल सेम रहने वाला है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बिल्कुल सेम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और उल्टा कम हो जा रहा है, 24% रिस्क रहेगा। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ टेक प्रॉफिट की, मैं इसको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम लेता हूँ ताकि हमको जो रेजिस्टेंट लेवल है, एक्चुअल टारगेट की अगर बात करें सिमेट्रिकल की तो वो 132% के करीब है राइट है, लेकिन अगला रेजिस्टेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमको उसको मेंशन करना जो कि 156% है। तो दो टारगेट आप यहाँ पर सेट करो, एक 130% के करीब का टारगेट आप सेट करो और एक आप 150% का, बट
यहां पर मैं चाहूंगा कि आप पार्शियली भी प्रॉफिट बुक करो। पहला प्रॉफिट जो आप सेट करोगे वो करोगे आप तकरीबन अगर आप पुल बैक के ऊपर बाय कर रहे हो तो पहला 34 सेंट पर आप सेल करो, सेकंड 44 सेंट पर आप सेल करो, और थर्ड और मैं कहूंगा कि आप 0.72 सेंट पर आप सेल कर सकते हो। इसके अबव भी अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो तो फिर आप अगले टारगेट अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से सेट कर सकते हो। याद रखो ये मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूं, ठीक है? जो रेजिस्टेंट मेन है वो है $1.38 का और सेकेंड है $1.90 के करीब। ये लेवल कितना हिट होगा ये तो आपको एनुअल टाइम के अंदर ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर हाई बन सकती है इलॉन मस्क की ओर से। और क्योंकि इलॉन मस्क ने रिसेंटली क्लियर किया है कि वो शिबा इनू कोई भी कॉइन होल्ड नहीं करा, सिंगल डॉलर का भी शिबा इनू कॉइन होल्ड नहीं है, तो मे बी हमको डॉज कॉइन के अंदर अच्छा खासा हाइप देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ लेवल्स थे जो कि आपको एक्सप्लेन करना था। अगर आप पार्टीशन में सेल करते हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। अनदर 500% का पंप आने वाले टाइम तक, यानी इस साइकिल के एंड तक हमको अनदर 500% का पंप देखने को मिल सकता है। याद रखो किसी को कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मिल रही, जनरल से ओपिनियन मिल रहा है कि भाई ये चीज हो सकती है, करना चाहते हो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते वो भी आपकी अपनी मर्जी रहेगी। तो गाइस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है कॉइन के रिलेटेड या वीडियो टॉपिक के रिलेटेड तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल वक्त में वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।